आपके तीन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि BA साइकोलॉजी, BA सोशोलॉजी और BA ज्योग्राफी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो इस वीडियो में हम इन तीनों की कट ऑफ एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे A to Z कैसे कट ऑफ पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट, दूसरी लिस्ट से तीसरी, और ऐसे होते होते 6-7 जो लिस्ट आती है उनमें वेरी करती है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी में क्या होगी, ज्योग्राफी में क्या हो सकती है, और साथ ही साथ सोशोलॉजी में क्या हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, आपके कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने कहना चाहिए सवाल हैं, वो सब के सब अब एंड होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर इसको। देखिए सबसे पहले हम ज्योग्राफी का देख रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ दी हुई है आपको, ये दी हुई है 2020 की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी पहली लिस्ट। पहली लिस्ट के हिसाब से ज्योग्राफी में कट ऑफ क्या क्या रही थी वो आप यहाँ पे आसानी से देखते हो, देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जनरल की 60 पॉइंट समथिंग, और देन मुस्लिम की 54, एंड देन OBC मुस्लिम 52 पॉइंट समथिंग, देन मुस्लिम वुमेन, देन जामिया इंटरनल। और यहाँ पे एक और काम की कट ऑफ है, ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, क्योंकि जो PWD वाली कैटेगरी होती है इसमें कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ की कुछ भी लिमिटेशन नहीं होती। वो मे भी 15 नंबर पर सेलेक्ट हो जाए, वो मे भी 55 नंबर पर सेलेक्ट हो जाए, अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी में आता है तो। एनीवे ये आपकी ज्योग्राफी की थी, अब आप देख लीजिए सोशोलॉजी की और साइकोलॉजी की भी साथ साथ। ये साइकोलॉजी की है, आप देख सकते हैं 2020 के लिए हैं ये भी, और ऐसे ही हम आपको दिखा देते हैं सोशोलॉजी की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे ये कट ऑफ वेरी करती है, और फाइनली हम बात करेंगे कि 2021 के लिए, 2021 के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को पुश करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सब वही कैटेगरीज हैं और आपकी कट ऑफ आपके सामने है। ऑब्वियसली साइकोलॉजी में या कहना चाहिए ज्योग्राफी में थोड़ी सी ऊपर ही रहती होगी कट ऑफ, क्योंकि कंपेरेटिवली बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं उसको, प्रेफर करते हैं, ऑप्ट करते हैं। ओके नाउ अब हम चलते हैं कि पहले बात करेंगे साइकोलॉजी में कट ऑफ कैसे वेरी करती है। देखिए यहाँ पे हमने ये सब डिटेल में दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में कैसी रही, थर्ड लिस्ट में क्या रही, फोर्थ लिस्ट में, फिफ्थ लिस्ट में, सिक्स लिस्ट में और सेवन्थ लिस्ट में। क्लियर? ऐसी ज्योग्राफी और ऐसी सोशोलॉजी में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी कट ऑफ है साइकोलॉजी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जनरल में आपने देखा था कि ये कट ऑफ रही थी पहली लिस्ट के हिसाब से 59.25, ये हमने अपने हैंड राइटिंग में लिखा, इसको फेयर करके हम वेबसाइट पर डाल देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर पाएंगे लिखने भी एक दिन बाद। क्लियर? और उसके बाद सेकंड लिस्ट में आपने देखा कि ये कट ऑफ जो है जनरल के लिए इतनी हो गई, थर्ड लिस्ट में इतनी हो गई, फोर्थ लिस्ट में, फिफ्थ लिस्ट में, सिक्स लिस्ट में, सेवन्थ लिस्ट में जनरल के लिए कोई सीट नहीं बची, इसलिए वहाँ कट ऑफ का कोई सवाल ही नहीं हुआ। फाइनली कट ऑफ यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जनरल के लिए साइकोलॉजी में 2020 में जो कट ऑफ रही वो कितनी रही, 53। ओके नाउ अब मुस्लिम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो पहली लिस्ट के हिसाब से तो 55.5 थी, दूसरी लिस्ट के हिसाब से 53 हो गई, इसके बाद इसे भी कोई सीट नहीं मिली किसी भी लिस्ट में, तो ऑब्वियसली 53 यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ बन गई। और उसके बाद OBC की बात कर लीजिए, मुस्लिम OBC की, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ पहली लिस्ट में थी 53 और दूसरी लिस्ट में ये हो गई 52.5, तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी हो गई, 52.5। उसके बाद मुस्लिम वुमेन की बात कर लेते हैं, तो ये पहली लिस्ट में इतनी थी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी लिस्ट में आते आते ये भी इतनी हो गई, और उसके बाद इसको कोई भी सीट नहीं मिली, यानी कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही, 49.75। और ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जामिया इंटरनल कैटेगरी की भी देख सकते हैं, और फिर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी की भी देख सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना एक तरह से कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो समझिए फिर आप कट ऑफ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? अब देखिए ज्योग्राफी का देख लीजिए, आप यहाँ पे ज्योग्राफी का सारा ब्यौरा दिया हुआ है, तो ऐसे ही सेम है, 60.25 गई पहली लिस्ट में, उसके बाद और गिरी थोड़ी, उसके बाद और गिरी थोड़ी, और गिरी थोड़ी, फिर सिक्स लिस्ट में यहाँ तक आई, और सेवन्थ लिस्ट में 48.75 पे ये सेटल हो गई है। तो 60 से शुरू होकर के 48.75 पे 12 नंबर तक ये गिरी। क्लियर? ऐसे ही दूसरी कैटेगरी हमारी होती है मुस्लिम की, तो मुस्लिम में ये 50 पे आकर के सेटल हो गई है, ऐसी मुस्लिम OBC में 49.5 पे सेटल हुई है, मुस्लिम वुमेन में सेटल हुई है 49.75, इसके बाद इसको कोई सीट नहीं मिली है। उसके बाद ऐसे जम्मू इंटरनल में ये रही आपकी कट ऑफ, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में ये, एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में ये। क्लियर?
क्लियर। अब सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सोशोलॉजी में क्या हुआ, जस्ट अ मोमेंट, सोशोलॉजी में देखिए यहाँ से शुरू हुई 60 में, जनरल है ये, जी लिखा जी फॉर जनरल, और सेकंड लिस्ट में इतनी गिरी, थर्ड में ये हुई, फोर्थ में ये हुई, देन सिक्स में ये हुई, फिफ्थ लिस्ट में मिली नहीं है और उसका कोई रेलिवेंस भी नहीं है, देन सेवन्थ में आते आते ये 48.75 पे सेटल हो गई है। और ऐसे ही आप मुस्लिम कैटेगरी में देख सकती हैं, एम फॉर मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी ये, देन मुस्लिम वुमेन ये, जामिया इंटरनल जे आई जे एंड के, और उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में ये फाइनली कहाँ तक गिरी, सिक्स लिस्ट में देखिए 48 पॉइंट समथिंग। क्लियर। तो ऐसे करके ये कट ऑफ वेरी करती है। अब आप जानते हो हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ 2021 में, 2021 में क्या रहने वाली है इन तीनों सब्जेक्ट्स में। तो चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे आप साइकोलॉजी की बात करें, चाहे आप बात करें सोशोलॉजी की, तीनों सब्जेक्ट में कॉमन पेपर है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे जो पेपर का असर होगा वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अच्छा था, टफ था पेपर, क्वेश्चन पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बड़े आसान टाइप के थे, तो इस बार काफ़ी बेहतर पेपर आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, ऑलमोस्ट यही ट्रेंड रहा है। और यहाँ पे भी बच्चे, मतलब ये हमारे हाथ में था नहीं, ये तो आप ही बताएंगे एज ए स्टूडेंट कि आपको टफ लगा क्वेश्चन पेपर या आसान लगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही करेंगे थोड़ा सा टफ था पिछले साल के मुकाबले, 2020 के मुकाबले, और 2020 की ये कट ऑफ आपके सामने है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, एक आध पॉइंट ज़रूर ऊपर रहेगी, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, साइकोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं, ओके, तो साइकोलॉजी में आपको यहाँ तकरीबन आप सेफ हैं, एक दो पॉइंट आप ऊपर लेके चलो 55 पे आप समझ सकते हैं कि आप सेफ हैं। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 53 पे सेटल हुई है, तो 53 के बाद वही समझिए कि 54-55 तक आते आते हैं आप, यहाँ पे भी सेफ हैं। मुस्लिम ओबीसी की बात कर लीजिए, 52.2 रही थी लास्ट ईयर, तो इस बार कितनी रहने की उम्मीद है, तकरीबन 53 के आसपास। और ऐसी मुस्लिम वुमेन 49.75 रही थी लास्ट ईयर, तो इस बार 50-51 तक आप बिल्कुल सेफ जैसे लगते हैं। उसके बाद जामिया इंटरनल की बात कर लीजिए, जामिया इंटरनल में 53 आप मान लीजिए, 53 पर आप सेफ हैं। और मैंने इन दोनों कैटेगरीज के लिए कहा कि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ओके, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए फाइनली यहाँ पे 7 लिस्ट तक ज्योग्राफी की कट ऑफ जनरल में आई थी, और फाइनल लिस्ट थी, फाइनल कट ऑफ थी ये 48.75। इस बार आप 50 मान लीजिए कि 50 के आसपास ज्योग्राफी में अगर आप लाए हैं तो फिर आपको एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करें मुस्लिम कैटेगरी में, तो आप 51 मान लीजिए कि 51 पे आप काफ़ी हद तक सेफ लगते हैं। ओबीसी में मुस्लिम अगेन 50 पे सेफ लग रहे हैं। मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें, देन अगेन 50 के आसपास अगर आप हैं, 50 अबाव हैं तो आप सेफ जोन में लगते हैं। जामिया इंटरनल फिर से ऑलमोस्ट यही 51 के आसपास, 50-51। और जम्मू एंड कश्मीर एंड के कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी के बारे में तो हम कुछ कहने से बच ही रहे हैं, आपको पता है। सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं, ये रहा आपका सोशोलॉजी का कट ऑफ का ट्रेंड। तो शुरू हुआ 60 से, एंड हुआ 48.75, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 पे आप हैं एज ए जनरल कैंडिडेट तो सेफ लगते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट ऑलमोस्ट 49 पे सेफ हैं, जस्ट ऑलमोस्ट 49। ओके, अब मुस्लिम के बाद चलते हैं आप मुस्लिम ओबीसी पे, यहाँ पे भी लगभग यही 50 के आसपास का रहेगा ऐसी उम्मीद है। और अब बात करें मुस्लिम वुमेन की, तो ये समझ लीजिए 49 तकरीबन 49-50 तक, एक दो पॉइंट तो आगे पीछे रहेगा, कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद जामिया इंटरनल देखिए यहाँ पे 52 पर जाकर के ये सेटल हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 53 अगर आपके हैं तो समझिए कि आप सेफ हैं इस कैटेगरी में भी। और कश्मीरी माइग्रेंट की देखिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बनी थी, और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में पहले यहाँ आई है, ये फोर्थ लिस्ट तक गिरी, उसके बाद सिक्स लिस्ट में और गिरी थोड़ी सी, 48.5 तक रही है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि वैसे तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, बट लास्ट कट ऑफ जो इसकी वो ये रही है 48.5। क्लियर। तो बाकी की चारों कैटेगरीज या हम यहाँ पाँचों कैटेगरीज कह सकते हैं, ये जनरल हुई, ये मुस्लिम हुई, ये ओबीसी हुई, ये मुस्लिम वुमेन एंड जामिया इंटरनल, यहाँ तक ये पाँच कैटेगरीज में हमने आपको
तीनों सब्जेक्ट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता दी है। होपफुली इस वीडियो से आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हैं। 5, 6, 7 तक लिस्ट आती है, कोई गारंटी नहीं होता कि लिस्ट कितनी आएंगी, डिपेंड करता है कि सीट कब फुल हुई। अगर पहले फुल हो गई तो मे भी 5 के बाद ही लिस्ट ना आए, 4 के बाद लिस्ट ना आए, क्लियर। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है। अब चूँकि एमयू लेट हो रहा है, तो एमयू लेट होने की वजह से जामिया में कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे और बच्चे कम छोड़ेंगे। अगर एमयू का रिजल्ट पहले आ जाता तो शायद ज़्यादा बच्चे छोड़ते हैं, यहाँ से एमयू को प्रेफर करते हैं बहुत सारे बच्चे, और ऐसे केस में कट ऑफ गिरने के चांस रहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को ड्रैग करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा और आपको परेशान करेगा डेफिनेटली। बट डोंट वरी, जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो ये कट ऑफ आपका एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उससे आने वाले वक्त में आपको बहुत फ़ायदा होगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगी, हर तरह की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे आपको और हमें दोनों को फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर, सी यू अगेन।